कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खाद्य तेल बाजार के बारे में, जानेंगे खाद्य तेल बाजारों में सोयाबीन के बारे में बात करेंगे। सोयाबीन में खास तौर से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सोया प्लांट की आज की कीमतों के बारे में देखेंगे, किस तरह का कारोबार और ट्रेंड बाजारों में आज के दिन देखा जा रहा है। मगर इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो सोयाबीन के बारे में अगर बात करी जाए तो आज सोयाबीन में जबरदस्त तरह की गिरावट दर्ज करी गई है। लगभग 75 से लेकर 100 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार हुआ है और आज विदेशी बाजारों में भी गिरावट देखी गई है और विदेशी बाजारों का ज्यादा सपोर्ट बाजारों में नहीं देखा जा रहा है, इसकी वजह से गिरावट बाजारों में बनी हुई है। शिकागो में भी आज सोयाबीन, सोया तेल और मील की कीमतों में गिरावट देखी गई है। अब कीमतों के बारे में बात करते हैं तो महाराष्ट्र में लातूर में धनराज प्लांट की कीमतें 6500 रुपए हैं, जिसमें 125 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। सोलन प्लांट का रेट 6550 रुपए बाजारों में देखा जा रहा है। कीर्ति में सोलापुर प्लांट की जो कीमतें हैं वो 6600 रुपए हैं, जिसमें 20 रुपए तक की गिरावट आई है। नारेड़ में श्रीनिवास अग्रो प्लांट की कीमतें 6475 रुपए हैं, जिसमें भी 140 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। धुलिया के बारे में बात करते हैं, धुलिया में दिसान प्लांट का जो रेट है वो 6375 रुपए है, जिसमें 125 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। और संजय प्लांट की कीमतें 6500 रुपए बाजारों में चल रही हैं। तो मध्य प्रदेश में भी महाराष्ट्र की तरह गिरावट दर्ज करी गई है, इसमें भी लगभग 50-100 रुपए तक की गिरावट आई है। मध्य प्रदेश में प्रकाश प्लांट का रेट 6050 रुपए है, जिसमें 165 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार देखा जा रहा है। महाकाली प्लांट की कीमतें 6150 रुपए है, जिसमें भी 150 रुपए तक की गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। प्रेस्टीज प्लांट का जो रेट है मध्य प्रदेश में वो 6000 रुपए है, जिसमें 150 रुपए की गिरावट आई है। रुचि प्लांट की कीमतें 6025 रुपए है, जिसमें भी 150 रुपए तक की गिरावट आई है। और कीर्ति प्लांट की कीमतें आप 6050 रुपए बाजारों में देखकर चल सकते हैं। तो सोयाबीन के बारे में बात करी जाए तो शिकागो सोया तेल के वायदे में माइनस होने की वजह से और मांग कमजोर होने की वजह से सोया रिफाइंड में भी गिरावट दर्ज करी गई है। 200 रुपए की गिरावट के साथ 12,200 से लेकर 12,300 रुपए प्रति क्विंटल इसके बीच में दाम देखा जा रहा है। और सोयाबीन में नरमी का रुख होने और कमजोर मांग को देखते हुए आने वाले दिनों में इसमें भी तेजी की संभावना कम देखी जा रही है और बाजार में आपको आने वाले समय में दबाव देखने को मिल सकता है। घरेलू बाजार में आगे सोयाबीन में किस तरह का कारोबार देखा जाएगा, तेजी बनी रहेगी या मंदी आपको देखने को मिलेगी, ये खासतौर से कुछ उत्पादक राज्यों की मानसूनी बारिश पर निर्भर करता है। जिस हिसाब से बाजारों में मानसून रहेगा उस हिसाब से आने वाले समय में आपको फसलों में और सोयाबीन में कारोबार देखने को मिल सकता है। ओवरऑल आज के ट्रेंड के बारे में बात करते हैं तो आज का जो ट्रेंड है बाजारों में वो इस वक्त निगेटिव नजर आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।